से छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। सक्ती के जेठा गांव में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई है। पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी की सभा में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 23 अप्रैल को शक्ति आगमन हो रहा है। यहाँ पर हम जहाँ पे खड़े हैं, जेठा करके स्थान है जो कलेक्ट्रेट के बाजू में है, यहाँ पे एक विशाल आम सभा आयोजित की गई है जिसमें लगभग 75,000 से 1 लाख तक के लोगों के आने की संभावना है। लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि जैसे दीपावली में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक नए कपड़े सिलवाते हैं, उसी प्रकार ये हम बच्चे लोग और बूढ़े लोग दीपावली मनाने की तैयारी में हैं और सब नए नए कपड़े पहनकर यहाँ पहुंचेंगे। और हम लोग कार्यकर्ता एवं जो नागरिक हैं, इतना ज्यादा उत्साह भरा हुआ है उनके ऊपर कि आज हम इतने नजदीक से हमारे प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिलेगा। शक्ति जिला बनने के बाद पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव प्रचार के लिए आगमन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के असर जांजगीर लोकसभा सहित अन्य 11 सीटों पर भी पड़ेगा। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का दौरा 23 तारीख को जिला शक्ति में है, तो उसको लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजाम है वो सभी दृष्टिगत हेलीपैड कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों में तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा गया है पार्किंग और ट्रैफिक में कि जो जनसामान्य आएंगे उनकी सभा में तो उनको कोई कष्ट न हो और पास में पार्किंग रहे। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। हम अभी मौजूद हैं जांजगीर चांपा लोकसभा के शक्ति विधानसभा के जेठा गांव में और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति के जेठा गांव में आएंगे और यहां आम सभा को संबोधित करेंगे। आप पीछे जो एक तस्वीरें देख सकते हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना है और यही आम सभा को वो संबोधित करेंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो जांजगीर चांपा लोकसभा में 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में कांग्रेस विधायक का कब्जा है। कहीं न कहीं ये भाजपा चुनौती के रूप में इसे देख रही है। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि तैयारियों को लेकर किस प्रकार से उनमें उत्साह है प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर। जी बताएंगे, प्रधानमंत्री जी का आगमन है, किस प्रकार से तैयारियां और किस प्रकार से उत्साह है? उत्साह बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ के नागरिकों में, कार्यकर्ताओं में। पहली बार आजादी के बाद पहली बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का शक्ति जिले में आगमन हो रहा है और इस उद्देश्य में और तैयारी इतना जोर शोर से चल रही है। ये आखिरी स्टेज की तैयारी है, कल तक तैयारी पूरी पूर्ण हो जाएगी और यहाँ के नागरिकों में इतना ज्यादा उत्साह है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे देश में मोदी की लहर है और जनता की जो सोच है इस बार जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के निशान में सब वोट डालेंगे और निश्चित बात है पूरे राष्ट्र में एक मोदी की लहर है और 400 पार निश्चित है। हमने अभी यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया, सीधे उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित के पक्ष में मतदान करेंगे। कहीं न कहीं ये एक बड़ी बात कही है, अब की बार 400 पार का जो नारा दिए हैं। राजीव लोचन साहू, आईएस 24/7 शक्ति।